उत्तर प्रदेश की कैबिनेट ने यूट्यूब और सोशल मीडिया को लेकर के एक नए प्रस्ताव को पास कर दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार अब सोशल मीडिया पॉलिसी नई लेकर आई है और जिसमें देश विरोधी पोस्ट पर उम्र कैद तक की सजा बड़ी बड़ी सुर्खियों में आई है, कानून बदले गए हैं, सजा बढ़ाई गई है, शर्तें बदली गई हैं, लेकिन उसके साथ लालच, उसके साथ एक दरवाजा ऐसा खोला गया है जिसके जरिए सरकार विज्ञापन भी देगी YouTube को, Facebook को, Twitter को, कि वो सरकार के पक्ष में सरकारी नीतियों के लिए अगर कोई बात करेंगे तो उन्हें पैसा मिलेगा और जन कल्याणकारी और तमाम तरह की योजनाओं को बदलेंगे तो उन्हें विज्ञापन देकर प्रोत्साहित किया जाएगा। और दूसरी तरफ शर्तें बढ़ा दी गई हैं कि अगर आप थोड़ा भी दिस दैट करते हैं तो आपको सजा भी दी जा सकती है। आज के वीडियो में थोड़ी सी पड़ताल इसकी करेंगे और कुछ सवाल लेकर उत्तर प्रदेश सरकार से पूछेंगे कि क्या उत्तर प्रदेश में हो रहे लूट, भ्रष्टाचार, बलात्कार, अपराध की सूचनाएं जो कई बार सरकारी मीडिया नहीं उठा पाता या उसे वो जाति धर्म के चश्मे से अगर अपने पक्ष में समझता है तब तो उठाता है, बाकी को नहीं उठाता, तो क्या उनको उनको पर लगाम लगाने के लिए या उन पर नियंत्रण के लिए कहीं ऐसा तो नहीं कि सरकार पिछले दरवाजे से कोई नियमों में बदलाव ला रही हो? क्योंकि आज के तारीख में सोशल मीडिया बता रहा है कि फरुखाबाद में लड़कियां पेड़ से लटका दी गईं और गृह मंत्री जो कहते थे कि 12 बजे रात को गहने लाद कर सुरक्षित जा सकती हैं वो चुप है। उत्तर प्रदेश में भू माफियाओं का कहर बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के नेता बोल रहे हैं आंदोलन और धरना पर बैठ करके कि मायावती जी अच्छी मुख्यमंत्री थी, सबसे खराब मुख्यमंत्री तो वर्तमान के हैं, ये बीजेपी के नेता बोल रहे हैं। और ऐसी तमाम खबरें, सड़कें टूट रही हैं, कहीं बाढ़, कहीं तबाही मची हुई है, तो कहीं कोई कोरोना का डॉक्टर अपने लिए न्याय मांग रहा है। अब उत्तर प्रदेश को देखने के लिए सोशल मीडिया इतने तरह के आपके पास प्लेटफॉर्म देता है, क्या इस तरह की पॉलिसी कहीं उन पर नियंत्रण तो नहीं लगाएगी? आज के वीडियो में थोड़ी इसकी पड़ताल करना जरूरी है। तो सूचना यह है कि योगी सरकार ने अपनी सोशल मीडिया पॉलिसी नई इंट्रोड्यूस की है और जिसमें सोशल मीडिया यूजर को तमाम तरह की चेतावनियां भी दी गई हैं कि देश विरोधी कंटेंट पोस्ट करने पर उम्र कैद की सजा तक का प्रावधान कर दिया गया है। इसके अलावा सरकार की नीतियों पर अगर आप वीडियो बनाएंगे तो आपको विज्ञापन मिलेगा। सर, योगी सरकार चाहती है कि जन कल्याणकारी लाभकारी योजनाओं और उपलब्धियों की जानकारी जनता तक पहुंचाने के लिए हम पॉलिसी लेकर आए। फेसबुक, ट्विटर जो अब बदल के एक्स हो गया है, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, इन पर सरकारी योजनाओं और उपलब्धियों पर, कोट अनकोट उपलब्धियों पर, कंटेंट, वीडियो, ट्वीट, पोस्ट और रील्स को शेयर करने पर उन्हें विज्ञापन देकर प्रोत्साहित किया जाए। चार कैटेगरी में इन्हें बांटा गया है। विज्ञापन देने वाली बात कि इसमें एजेंसी या फर्म को अलग अलग प्लेटफॉर्म पर सब्सक्राइबर और फॉलोअर्स के आधार पर चार कैटेगरी बांटी गई, 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख और 30,000, 30,000 तक का जो प्रावधान है मासिक। दूसरी तरफ यूट्यूब शॉर्ट वीडियो और पॉडकास्ट भुगतान के लिए 8 लाख रुपए, 7 लाख रुपए, 6 लाख रुपए और 4 लाख रुपए की कैटेगरी बनाई। अब जरा एक पड़ताल हमारी और आपकी, जब सोशल मीडिया का चरित्र क्या है, सोशल मीडिया क्या है, इसने पूरे देश के चुनाव, पॉलिसी मेकिंग और नैरेटिव सेट करना,
इनमें क्या भूमिका निभाई है और क्यों सरकारें इसको लेकर के सजग है। तो सोशल मीडिया पर कोई भी इंडिविजुअल अपनी राय, अपनी टिप्पणी, अपना विश्लेषण और अपनी बात साझा करता है और सोशल मीडिया उसे छोटा मोटा रेवेन्यू देता है। यूट्यूब पर जिनके सब्सक्राइबर बहुत ज्यादा है, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म अगर है तो उनको यूट्यूब खुद अपना इतना आर्थिक मदद करता है कि वो अपने प्लेटफॉर्म के जरिए एक बेहतर प्लेटफॉर्म क्रिएट करके लोगों को नौकरी दे करके एक साथ होने चला सकते हैं। एक तो ये तरीका है। वही दूसरी तरफ आजकल एक्स भी कुछ पैसा देने लगा है। इससे क्या होता है कि आप जो पैसा, जो कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, उस कंटेंट में अगर क्वालिटी है, गुणवत्ता है, तो उस कंटेंट को लोग पसंद करेंगे, लोग उसे देखेंगे, ज्यादा से ज्यादा व्यूज आएंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक बात पहुंचेगी। तो एक तरफ तो नैरेटिव सेट होता है कि आप यह दिखाते हैं कि जो टेलीविजन नहीं दिखा रहा, जिन खबरों पर टेलीविजन सेंसर कर जाता है, वो टेलीविजन जो पिछली सरकार में जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो बदायूं में एक ऐसे ही मामला आया, दर्दनाक मामला, एक लड़की की लाश पेड़ से लटकती हुई मिले। उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव थे। टीवी पर सीधे अखिलेश यादव की तस्वीरें होती थी, मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांगा जाता था और एक घटना अपराध की अगर हो गई तो सीधे मुख्यमंत्री जवाबदेह होते थे। आज वही टेलीविजन है, वही ग्राफिक्स है, वही लोग हैं, लेकिन फरुखाबाद में दो लड़कियों की पेड़ से लटकती हुई लाश मिले। अपराध कोई भी हो, अपराध होता है और अपराधी की भी कोई जाति और धर्म नहीं होता, लेकिन एक भी टेलीविजन आप दिखा दीजिए, एक भी जगह आप दिखा दीजिए जिसमें उत्तर प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की फोटो लगी हो, एक भी टेलीविजन ने इस पर एक शो किया हो कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस्तीफा दो, एक भी टेलीविजन ने यह शो नहीं किया होगा कि गृह मंत्री जी जवाब दो जब आपने कहा कि आधी रात को गहने लाद करके उत्तर प्रदेश में बहन बेटियां सड़क पर घूम सकती हैं। दूरबीन लेकर के देखने पर भी अपराधी नहीं दिख रहे क्योंकि वह या तो यूपी छोड़ गए हैं या यूपी के जेल में। तो सोशल मीडिया क्या करता है, जो काम टेलीविजन मीडिया अपने पॉलिटिकल नैरेटिव एजेंडे और विज्ञापन के जरिए सेंसर कर देता है, जिन खबरों को टेलीविजन नहीं दिखाता है, उस टेलीविजन के मालिक को, उसके नौकरों को यह पता है कि अगर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव होंगे तो मुख्यमंत्री की फोटो लगाकर हर एक दुर्घटना और अपराध पर इस्तीफा मांगने के शो चलाए जाएंगे, लेकिन अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होंगे तो खबरदार अगर किसी ने उनकी फोटो या उनका नाम भी लिया, आप इस्तीफा मांगिए वहां के पुलिस से, सिपाही से, होमगार्ड से, पंचायत के छोटे से अधिकारी से, एक आध दो को सस्पेंड कर दीजिए, खबरदार जो आपने बड़े लेवल पर किसी का नाम लिया। टेलीविजन वही है, खबर बदल गई, नैरेटिव चेंज हो गया, दृष्टिकोण बदल गया और आपका बेडरूम और ड्राइंग रूम वही है जहां बैठकर आपने मुख्यमंत्री जब थे अखिलेश यादव तब उनके खिलाफ खबरें देखी हैं, अब के मुख्यमंत्री पर कोई खबर नहीं देखी, क्योंकि विज्ञापन जिसका दाना उसका गाना, अखिलेश यादव का बड़ा प्रसिद्ध वाक्य था, पिछले चुनाव में खूब वायरल हुआ, जिसका दाना खाते हैं उसका गाना गाते हैं, और दाना का मतलब विज्ञापन, और वही विज्ञापन उस अब सोशल मीडिया को वो नहीं चिंता। सोशल मीडिया में गांव में, कस्बे में, मोहल्ले में, वंचित शोषित परिवारों में, गरीब कमजोर मजलूम में, दलित पिछड़े अति पिछड़े महादलित में, महिलाओं के हाथ में अगर मोबाइल पहुंच पाई है, अगर उसमें इंटरनेट है,
केवल दो शर्तें हैं, मोबाइल और इंटरनेट। अगर ये दो चीजें पहुंची तो उन्होंने अपने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स बना रखे हैं, और अगर उन्हें अपनी कोई बात कहनी है तो उन्हें टेलीविजन चैनल का मोहताज नहीं रहना है। वो अपना एक सोशल मीडिया पर अकाउंट बनाते हैं, अपने मोहल्ले की सड़क अगर टूटी है तो योगी आदित्यनाथ जी को टैग करके ट्वीट करके वो बहुत कुछ असर डाल सकते हैं। वो फरुखाबाद से लेकर अयोध्या से लेकर कन्नौज से लेकर चिन्मयानंद से लेकर आशाराम तक सवाल कर सकते हैं। गांव में अगर कोई, गांव कस्बे मोहल्ले में कोई अगर छेड़खानी करे, कोई अपराध करे, कोई किसी की जमीन कब्जाने चले गए, सरकार की कोई योजना झूठी निकल जाए, बनाया हुआ पुल पुलिया सड़क साल भर के भीतर बह जाए, उन सब की वीडियोस बनाकर सोशल मीडिया पर एक निष्पक्ष और साफ वन हैंड इंफॉर्मेशन भी आने लगे। और इस सोशल मीडिया ने नैरेटिव को बदला है, क्योंकि इसे विज्ञापन का लोभ नहीं होता। इनमें से 99% लोग अपने हक और सच के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। फेक भी है, बहुत सारी झूठी खबरें, बहुत सारी दंगाई नफरती काम भी सोशल मीडिया पर हो रहा है। बहुत सारे लोग इसका इस्तेमाल केवल दूसरों को गालियां देने और चरित्र हनन करने के लिए कर रहे हैं, लेकिन दुरुपयोग तो बहुत सी चीजों का हो जाता है। सदुपयोग देखिए कि उसने विज्ञापन वाले टेलीविजन को औचित्यहीन बना दिया। विज्ञापन यानी जिसका दाना उसका गाना वाले अखबार और टीवी चैनलों को अब कौन देखता है, सोशल मीडिया पर लोग देखते हैं। क्योंकि आज का दौर ऐसा है कि मंत्री, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री वो झूठ बोले तो सोशल मीडिया उसकी पड़ताल करके सच को सामने ला देता है कि अगर रेप कोलकाता में हुआ तो रेप है, सड़क पर उतर कर पूरी बीजेपी ममता बनर्जी का इस्तीफा मांगेगी। लेकिन वही अपराध महिलाओं के खिलाफ फरुखाबाद उत्तर प्रदेश में होगा, कन्नौज में होगा, अयोध्या में होगा, कोई भी हो सकता है अपराधी, लेकिन जवाब मुख्यमंत्री से क्यों नहीं, क्यों नहीं चेहरा मुख्यमंत्री का। इसलिए सवाल का नैरेटिव बदल दिया है सोशल मीडिया ने। योगी आदित्यनाथ की सरकार कहीं ये तो नहीं सोच रही कि विज्ञापन का लालच और लोभ देकर, क्योंकि पैसा तो भाई सबको चाहिए, एक बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर तबके को अपने प्रभाव में लिया जाए, और धमकाने के लिए दूसरा एक तरीका है, कमाने के लिए यह है कि आओ सरकार से विज्ञापन लो, सरकार के पक्ष में बोलो, सरकार की उपलब्धियां गिनाओ और पैसा लेके जाओ, हमारा दाना लो और हमारा गाना गाओ। और भाई दूसरी तरफ कहीं अगर सरकार की आलोचना कर दी तो जेल, मुकदमे और उम्र कैद तक के प्रावधान भी बना दिए गए। क्या है इसके पीछे का पूरा कहानी, क्या इस तरह से आप समझ पाते हैं कि नहीं? विज्ञापन जो देगा क्या वो उसके खिलाफ कोई खबर चला सकता है? और क्या उत्तर प्रदेश की सरकार इस बात से घबरा रही है क्या कि सोशल मीडिया के जरिए गांव कस्बे का, सुदूर इलाके का, बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं, उनके जाने के रास्ते में कीचड़ भरे पड़े हैं, वहां बदहाल जिंदगियां हैं, किसी जगह बाढ़ आ गई, गोरखपुर में सड़ गया घर, सड़ गया अनाज, बह गए पशु, वो वीडियो आ गई और जमाना देख रहा है, जमाना देख रहा है कि स्कूल के बच्चों को जाने के लिए रास्ते नहीं हैं, जमाना देखने लगा इसी सोशल मीडिया से कि उन गांवों तक जब रास्ते नहीं हैं तो स्कूल जाते वाले बच्चे कैसे जा रहे हैं, या कोई बीमार हो गया तो चारपाई पर चार लोग लाद करके अपने दूर के कई किलोमीटर दूर अस्पताल में जा रहे हैं कि जान बचा सके। वो भी मनुष्य है ना, कीड़े मकोड़े से भी बदतर जिंदगियां हो गई हैं। हम कई बार वो चश्मा पहने होते हैं जिससे वहां तक नजर ही नहीं जाती, और सरकारें विज्ञापन के जरिए, कंट्रोल्ड मीडिया के जरिए उस जगहों पर कैमरा और माइक नहीं भेजते और नैरेटिव बनाते हैं कि वहां कुछ भी नहीं है, सब कुछ चंगा से। सोशल मीडिया झूठ और नफरत के दुरुपयोग के लिए नहीं जाना जा रहा, उस सच और हक के लिए कि वो चारपाई पर जा रहा व्यक्ति
जिसके घर एम्बुलेंस नहीं जा सकती, साइकिल नहीं जा सकती, पैदल लोग उसे कंधे पर लाद कर ले जा रहे हैं और वो कीचड़ में सने हुए पैर लेकर के स्कूल पढ़ने जाते बच्चे। और इसके लिए दोषी कौन है? सिस्टम। किसी की जमीन कब जाना हुआ तो किसी ने, मंत्री ने लिखा कि भाई डीएम जाकर जमीन खाली करवा दो। कोई विधायक अगर बैठ गया, कोई बीजेपी का नेता बैठकर कहने लगा कि इतना भ्रष्ट तो कोई था ही नहीं दूसरा मुख्यमंत्री। सोशल मीडिया फिल्टर नहीं करता। पुल पुलिया बह जाए, बिहार से लेकर गुजरात तक के पुल उड़ जाएं, पानी में बह जाएं, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाएं, बनारस से लेकर गोरखपुर में पानी भरा हो, डूबा हो, कोरोना के ना कोरोना के समय जब लाशें गंगा के किनारे तैर रही थी, कुत्ते कफन नोच रहे थे, कोरोना युद्ध कर्मी बना भर्ती किए गए थे, अब उनको बेदखल कर दिया गया, उनका आंदोलन अगर उत्तर प्रदेश की सड़कों पर हो रहा हो तो सोशल मीडिया उसे दिखाता है, नैरेटिव बदलता है और डरा करके, ललचा करके, कहीं ऐसा तो नहीं कि इस तरह के दृश्यों को दिखने से रोकने की कोशिश तो नहीं? आपका क्या मानना है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और टिप्पणी के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।